उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में अब तक 10 से अधिक मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। अगर कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। शनिवार को संवाददाताओं से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र को छोटा कर दिया है। अभी तक 10 मंत्री और 20 से अधिक विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हर कोई नववर्ष, जन्मदिन और अन्य समारोहों में भाग लेना चाहता है। यह बात ध्यान रखिए कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि यदि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के जो 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें बालासाहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और केसी पाडवी, प्राजक्त तनपुरे, यशोमती ठाकुर भी शामिल हैं। तो लगातार कोरोना का मामला बढ़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, अब जो मामला सामने आया है 10 मंत्री 20 विधायक, ये एक बड़ी हलचल पैदा कर देने वाली खबर सामने आई है महाराष्ट्र से। बिल्कुल योगेश जी, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन और कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ऐसे में मंत्री भी इससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा चल रही थी उस दौरान कई मंत्री, सीधे तौर पर आंकड़े की अगर बात करें तो 10 मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा विधायक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के भी मंत्री शामिल है। माला साहब थोराट की बात करें या फिर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की बात करें, ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी और कहा था कि मेरे आस पास या मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग कोरोना की जाँच करवा ले। यानी की पूरा मामला जो देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्री और कई विधायक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से बजट सत्र की बात कही जा रही थी नागपुर में, उसको भी टालने की बात कही जा रही है, उसको स्वस्थ करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में लगातार आए दिन एक के बाद एक मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता से भी सचेत करने का काम जो है यही मंत्रीगण कर रहा है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, मुंबई का जिक्र करें या पूरे महाराष्ट्र का जिक्र करें, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन जनता जागरूक होती हुई नजर नहीं आ रही, जनता समझने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बेहद भीड़ दिख रही है, क्राउड दिख रहा है, लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। वो चाहे बाजारों का जिक्र करें, किसी भी जगह का जिक्र करें, सामाजिक जो स्थान है वहां पर, तो ऐसे में क्या जनता वाकई बिल्कुल बेपरवाह होती जा रही है? तो महाराष्ट्र सरकार को क्या अब कोई ठोस और कड़े प्रतिबंध लागू करने ही पड़ेंगे? बिल्कुल योगेश जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार काफी दिनों से यह कह रही है कि अगर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, हेल्थ विभाग द्वारा बनाई गई एसओपी का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुंबईकरों को कड़े प्रतिबंध से गुजरना पड़ सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार आए दिन नए नए गाइडलाइन जारी कर रही है कि जैसा कि आपने देखा होगा 25 दिसंबर क्रिसमस की बात हो या फिर नए साल का जश्न की बात हो, तमाम कड़ी पाबंदियां लगाई है, जिसमें कल नई एसओपी जारी की गई है। ये बताया गया है कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक भीड़ भाड़ वाले सभी इलाके बंद रहेंगे, नए साल का जश्न मनाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सार्वजनिक तौर पर अगर कोई नए साल का जश्न मनाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देर रात मुंबई पुलिस, महानगर पालिका, सभी लोगों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें बुलाया गया था और सबको काम पे लगाया गया था, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। जानते हो तो महाराष्ट्र सरकार लोगों को बार बार ये चेता रही है कि आप लोग अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में इससे भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि सरकार लॉकडाउन लगाने की बात सीधे तौर पर नहीं कर रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब इस बात की चेतावनी दे रही है कि यदि लोग नहीं माने और नियमों का पालन नहीं किए तो कड़े प्रतिबंध लगाने पर सरकार मजबूर होगी।